जिस पथ पे चढ़ते हैं उस पथ के लिए आप गाइडलाइन तय कर सकते हैं, लेकिन समस्त पहाड़ को आप गाइडलाइन तय करेंगे तो ये संभव नहीं है। वहाँ हजारों लोग चढ़ते हैं, प्रतिदिन चढ़ते हैं पत्ता बीनने के लिए, लकड़ियां बीनने के लिए, और यही नहीं उनका दिनचर्या चलता है। उन पत्तों को लेकर वे दोना बनाते हैं और तोपचाची के हाटों में बेचते हैं, पीरताड़ के हाटों में, बाजारों में, हरलाडी के बाजारों में वही पत्ता, वही पत्तल, वही दोना आता है। यानी हमारे दिनचर्या का साधन है वो पहाड़। इसलिए ये कहीं ना कहीं अमानव भी है, अनैतिक है, धर्म और आस्था के नाम पर। केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर दी है। देखिए पहला बात स्पष्ट कीजिए कि आप लोग किस तरीके से इसको, हम लोग अपने अधिकार के लिए, हम लोग किसी के अधिकार को छीनने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम पूरे देश से आह्वान करेंगे कि इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार का शोषण जो झारखंड में आज आपको दिख रहा है, जो झारखंड के साथ हो रहा है, ये पूरे विश्व में और कहाँ है। जयराम जी, झारखंड में जो पारसनाथ पहाड़ी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, क्या आप इस लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका जो घर है एकदम पारसनाथ की पहाड़ी की तराइयों में है। देखिए कहीं ना कहीं हम हर समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन पहला बात, जो भी अभी तक वहाँ मीडिया पहुँचे, हम तो चाहेंगे जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ आए हैं, आप दोनों का पक्ष लें। पारसनाथ में जो दो समुदाय, एक तरफ विशेष समुदाय, एक तरफ समस्त ग्रामीण, हम दोनों का पक्ष को लें और जानकारी इकट्ठा करें कि पारसनाथ का इतिहास क्या है, पारसनाथ का वजूद क्या है, और पारसनाथ में जो प्रतिबंध कहे होने की जो बात कही जा रही है, इससे मानव जीवन पर, वहाँ के जो लगभग माने दर्जनों दर्जन गाँव है, उनके जीवन पर, दैनिकचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली बात, पारसनाथ मैंने लगभग 16,000 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल भूभाग है, पहाड़ियों से घिरा हुआ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जिनमें हम कह सकते हैं चंदवा पहाड़ी और भी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के मिलकर एक पारसनाथ बहुत विशाल क्षेत्र है। वहाँ पीरटा डुमरी तोपचाची ब्लॉक के लगभग दर्जनों दर्जन गाँव आश्रित हैं। वहाँ की माताएँ सुबह भोर होती हैं और एक बार जंगल के लिए बिनने की लकड़ी, जो सूखी लकड़ियाँ हैं, उसे लाने के लिए जाती हैं, पात पाला के लिए जाती हैं, चुकरू के पतई के लिए जाती हैं, जड़ी बूटियों के लिए जाती हैं। तो वहाँ बहुत प्रकार की औषधियाँ हमें मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप फरमान जारी कर रहे हैं एक समुदाय के पक्ष को लेकर, तो कहीं ना कहीं बाकी समुदाय को भी आपको देखना होगा, क्योंकि प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक संसाधन व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का नहीं होना चाहिए। बाकी उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, आप उनके लिए एक जो छोटी पहाड़ी है जहाँ उनका आस्था का केंद्र है, उसे रिजर्व कर दें, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार करें, उसके लिए डिसिप्लिन करें। लेकिन 16,000 एकड़ के लिए अगर डिसिप्लिन बनाते हैं कि पाँव में इस प्रकार का सामान्य पहन के नहीं चढ़ना, तो वहाँ कांटा कंकीला पत्थर है। लेकिन जो आप जिन प्रतिनिधियों को आप चुनकर भेजे हैं, सांसद हो या और भी लोग हैं, वो तो उनके पक्ष में ही लिख रहे हैं कि देखिए उनकी मांग है, उनको मान लिया जाए। देखिए सबसे पहला इसका कारण है कि पैसा बोलता है, जो सच्चाई उसको मानना होगा। आज भले उस समुदाय का धर्म का दर्शन कहता हो कि धन का संचय नहीं करना, लेकिन वास्तविकता यही है, आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैसा उसी समुदाय के पास है। आप चाहें तो सर्वे कर ले, आप चाहें तो आंकड़े उठाकर देख ले, तो पैसा बोलता है। इसका उदाहरण हम इसलिए देते हैं कि किसान आंदोलन साल भर चला, 700 किसानों की मृत्यु हुई, उसके बाद बिल वापस हुआ, लेकिन ये आंदोलन महज 5 घंटा, मुख्यमंत्री लेटर लिखते हैं केंद्र को, 5 घंटा में रिप्लाई आता है, 5 घंटा में असर करता है। क्यों? क्या किसानों से इनकी ज्यादा संख्या थी? जी नहीं, ये पैसे वाले लोग हैं। तो क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ पैसे वालों की सुनी जाएगी या फिर गांव गरीब किसानों की सुनी जाएगी? और भगत सिंह की वो चिंता जो वो कहते थे, हम आजादी तो अंग्रेजों से छीन लेंगे, पर क्या गांव गरीब किसान तक जा पाएगी? आज कहीं ना कहीं मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की आजादी है। हम आस्था का सम्मान करते हैं, उसके लिए सामंजस्य हो, बीच का रास्ता निकले, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ अगर उस समुदाय की बात करें तो मुझे लगता है 25 परिवार है, और भी CNT की जमीनों पर घर बनाए हैं, यानी यहाँ के लोगों ने दान स्वरूप दिया है। बाकी कम से कम 50 गांव अन्य लोगों का है, अन्य समुदाय का है, जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं रखता है। उनका क्या होगा? उनके मवेशी चढ़ नहीं पाएंगे पहाड़ पर, उनके लोग अगर जाएंगे तब मोतीलाल बास्की बनाकर गोली कर देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। आपको भी याद होगा मीडिया वालों को, मोतीलाल बास्की कसूर यही था कि वो पहाड़ में मिल गया। भाई पहाड़ में मिल गया एक टांगे के साथ, या फिर उसके पास तो टांगा भी नहीं था, तो वो लकड़ी काटने गया होगा, लकड़ी बीनने गया होगा। दतवन वो हमारा दिनचर्या है, हमारे जो आसपास के प्रखंड हैं उसके लगभग 100% लोग उस पहाड़ पर आश्रित होते हैं। दिन में 2 बार उस पहाड़ का मैंने तरफ हो जाते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और यही नहीं, आप ये भी कह रहा है 5 किलोमीटर का रेडियस, तो पता नहीं ये भ्रम है या सच्चाई है, इसलिए उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो सच्चाई अभी दिखने का, जो लेटर में लिखा है कि आप वहाँ मवेशी को भी एंट्री नहीं कर सकते हैं, ट्रैफिकिंग की बात कही जा रही है, अनाधिकार प्रवेश वर्जित की बात कही जा रही है, तो पहाड़ से हमारा वास्ता है, झारखंड का मतलब है जल जमीन जंगल पहाड़। तो इसलिए झारखंड की अस्मिता को कहीं ना कहीं खंडन करने का प्रयास किया जा रहा है। जयराम जो है भाषा खतियान की लड़ाई लड़ रहे थे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहाड़ जो संकट आया है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप लोग जो है वहाँ पे आंदोलन करने जाने वाले हैं? देखिए हम सभी
के पक्षों को सुनने की बात कर रहे हैं, दोनों के पक्षों को सुना जाए, बीच का रास्ता निकाले, सबकी आस्था का सम्मान करे, क्योंकि एक समुदाय की आस्था है बलि। बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता हो सकता है कि आप जो जिन टापुओं में टॉम्ब है आप उनको एक दायरा दे सकते हैं, उनके लिए गाइडलाइन तैयार कर सकते हैं, उस जिस पथ पे चढ़ते हैं उस पथ के लिए आप गाइडलाइन तय कर सकते हैं, लेकिन समस्त पहाड़ को आप गाइडलाइन तय करेंगे तो ये संभव नहीं है। वहाँ हजारों लोग चढ़ते हैं, प्रतिदिन चढ़ते हैं पत्ता बीनने के लिए, लकड़ियाँ बीनने के लिए, और यही नहीं उनका दिनचर्या चलता है, उन पत्तों को लेकर वे डोना बनाते हैं और तोपचाची के हाटों में बेचते हैं, पीरताड़ के हाटों में, बाजारों में, हरला डी के बाजारों में वही पत्ता, वही पत्तल, वही डोना आता है। यानी हमारे दिनचर्या का साधन है वो पहाड़, इसलिए ये कहीं ना कहीं अमानव भी है, अनैतिक। धर्म और आस्था के नाम पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति तो स्पष्ट कर दी है। देखिए पहला बात उनकी स्पष्ट की थी कि आप लोग किस तरीके से इसको, हम लोग अपने अधिकार के लिए, हम लोग किसी के अधिकार को छीनने नहीं जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। 10 तारीख को जो आंदोलन होने की बात की जा रही है उसमें आप लोग, 10 तारीख को बात कही गई थी कि वार्ता की, उस दिन सामंजस्य बैठाने की बात कही गई थी, जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो फिर जाहिर सी बात है पीरटन आंदोलन की धरती रही है।